औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद अली शाह। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम देखने का और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। आज हम बनाएंगे पालक गोश, दूसरा नाम है बाजी गोश। तो बाजी गोश किस तरीके से बनाया जाता है और कौन से मसालों में बनाया जाता है, तो दिखाते हैं आपको। ये बगैर अड्डी का 1 किलो गोश है और ये तकरीबन 1 किलो पालक था, और इसको उबाल के पकाया और इसको अभी गोश में मिलाएंगे। तो ये 1 किलो उबला हुआ पालक, ये गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, घी, लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 400 ग्राम टमाटर, 400 ग्राम प्याज, हरी मिर्ची, साबित जीरा, साबित धनिया और साबित काली मिर्च। बिस्मिल्लाह करते हैं, बाजी गोश पकाएंगे। ये जो हमने पानी रखा हुआ था गोश को धोने के लिए, तो गोश को धोएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो तीन मिनट इसको रखेंगे गर्म पानी में और फिर इसको निकालेंगे और ताज़ा पानी से धोएंगे। आप भी धोएं और जरासीम और इसके ऊपर जो खून लगा होता है, जो गंदगी होती है, वो साफ़ हो जाती है और बीमारी से अपने आप को बचाएं। शुक्रिया। आपको दिखाते हैं इस गोश्त का पानी कितना गंदा हो गया। अभी निकालेंगे गोश्त को बाहर, चूल्हा बंद करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है पानी का हालत, तो आप लाजमी धोया करें गर्म पानी से। शुक्रिया। ये जो हमने घी रखा हुआ था 150 ग्राम घी, अभी डालेंगे इसमें प्याज 400 ग्राम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज आप इसे बारीकी से काटा करें, बाद में आपको मुश्किल नहीं होगा इसको ख़त्म करने में, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और आपका सालन बहुत बेहतरीन बनेगा इससे। प्याज बारीक और टमाटर भी बारीक काटा करें। इसको करेंगे हल्का सा ब्राउन। जब आपका प्याज इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं, तो इस टाइम पे हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साग पक रहे तो लहसुन अदरक ज़रा ज़्यादा डालना है, तकरीबन 2 चमचे हो गए ये, और इसको हिलाएंगे। आप जब साग पकाते हो तो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची ये ज़्यादा डाला करें, तो इंशाल्लाह आपका साग बहुत मज़ेदार होगा। लहसुन अदरक को आप 1 से 2 मिनट पकाएं और उसके बाद डालेंगे टमाटर। ये 400 ग्राम टमाटर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और साथ में डालेंगे मिर्ची, हरी मिर्ची। और देंगे नमक।
आप इस टाइम पे नमक डालोगे तो आपका प्याज और टमाटर इंशाल्लाह जल्दी गल जाएगा। इस टाइम पे डालेंगे पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा पानी डालें ताकि ये प्याज टमाटर आपका इस पानी में पक जाए। हिलाएं थोड़ा सा, थोड़ा और डालेंगे, और तकरीबन रखेंगे 10 मिनट ढक्कन, और 10 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे प्याज टमाटर का पोजीशन। अभी रखेंगे ढक्कन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे प्याज टमाटर का क्या पोजीशन है। ये जो हमने 10 मिनट पहले ढक्कन लगाया था, अभी देखेंगे कि प्याज टमाटर किस पोजीशन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह प्याज टमाटर पक गए। इसमें डालेंगे इस टाइम पे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच साबित ज़ीरा, आधा चम्मच साबित मिर्ची काली, छोटा वाला चम्मच, एक चम्मच साबित धनिया, इसको मिलाएंगे। हल्का सा पानी डालेंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद डालेंगे गोश्त। ये जी मसालों की भुनाई हो गई, इसमें डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसको मिलाएंगे, और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसमें भुनाई करेंगे गोश्त का मसालों में। ये तकरीबन जी हमने 5 मिनट इसकी भुनाई की गोश्त की, उसमें डालेंगे इस टाइम पे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 2 गिलास पानी, अगर इस टाइम पे आप इसको प्रेशर कुकर में डालते हो तो तकरीबन 15 मिनट इसको पकाना है। प्रेशर कुकर की सीटी जब बजती है तो उसके बाद 15 मिनट टाइम आपने लेना है, और 15 मिनट के बाद ये पक जाएगा। अगर आपने ऐसे पतीले में पकाना है तो तकरीबन 30 से 40 मिनट टाइम आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह आपका गोश्त पक जाएगा। ये जी गोश्त पे हमने ढक्कन रखा हुआ था, आधा घंटा हो गया, अभी ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि किस पोजीशन में पहुंच गया। आप आधा घंटे के दौरान में अगर 2-3 दफ़ा चम्मच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, देखते हैं कि किस पोजीशन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह पानी हल्का हल्का सूख गया। इस टाइम पे डालेंगे थोड़ा सा अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डालेंगे साथ में मिर्ची 3-4, और धनिया डालेंगे साथ में।
तकरीबन 5 मिनट इसको देंगे और 5 मिनट के बाद डालेंगे अपना उबला हुआ पालक का साग। ये जी 5 मिनट हमने इसको दिया था मिर्ची डालने के बाद, तो माशाल्लाह पानी बिल्कुल सूख गया। इस टाइम पे डालेंगे उबला हुआ पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में मिलाएंगे इसको हल्की हाथों से। तकरीबन 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और 5 मिनट आपको दिखाते हैं कि किस पोजीशन पे पहुंच गया। ये जो हमने 5 मिनट उसको दम पे लगाया था, अभी इसका पोजीशन देखते हैं कि किस पोजीशन पे पालक और गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पालक और गोश्त का पोजीशन आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन पक गया। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह भाजी गोश्त बन के तैयार हो गया। अभी डिश आउट करेंगे इसको, चूल्हा बंद करेंगे और तकरीबन 2 मिनट दम पे फिर रखेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे, दिखाते हैं आपको। ये जी भाजी गोश्त तैयार हो गया, इसको करते हैं डिश आउट। ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डालते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखेंगे कीरा। साथ में टमाटर रखेंगे। टमाटर वाले फूल रखेंगे। अदरक डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पालक गोश्त या भाजी गोश्त बन के तैयार हो गया। आप भी घर में बनाएं इसी तरीके से, इसी मसालों में, तो यकीनन आपका भाजी गोश्त लाजवाब होगा। अल्लाह आपका नसीब करे। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखे, अपने पड़ोस का ख्याल रखे, अपने बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखे और हमें अपने दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।